चुनाव की गर्मी के साथ ही अचानक मौसम में आई तब्दीली से पारा तो गिर गया है, लेकिन चुनावी हलकों में अभी भी गर्मी और गहमा गहमी साफ नजर आ रही है। वहीं इसी बीच नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि उन्होंने अभी तक किसी भी विजेता निर्दलीय प्रत्याशी से कोई संपर्क नहीं किया है, न ही समर्थन की कोई बात की है। मैंने कहा था कि जनाबी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, सर क्या लग रहा है? माई गौंडी जी कही, संख्या बल उनकी पास जा रहा है विधायकों का, स्वभाव की छोटी सी बात। सर ग्वालियर चंबल में बड़ा डेंट हुआ है बीजेपी को, वहाँ से बहुत लॉस हुआ, क्या रीजन मानते हैं? सारे मंत्री, कई मंत्री हारे हैं। निश्चित रूप से हारे हैं जी, समीक्षा का विषय है जी, और गंभीरता से हम समीक्षा करेंगे। सर क्या लग रहा है प्रत्याशी के खिलाफ काफी जो सर 13 मंत्री हारे हैं, तो क्या वजह मानते हैं? समीक्षा करेंगे कि कोई गलती हुई है? निश्चित समीक्षा तो करना ही चाहिए हार की, अभी तो आगे सुधार हो। क्या ऐसी है, क्या हार में क्या जीत में निश्चित नहीं है, लगातार मेहनत करेंगे फिर जीत के दिखाएंगे आप। क्या हम नहीं मानूंगा, रार नहीं था, क्या क्या कपाल पर लिखता सर, क्या हम मध्य प्रदेश के अगले नेता प्रतिपक्ष से बात कर रहे हैं इस समय? देखिए ये तो आपको प्रश्न ही अभी बेमानी है, अभी प्रश्न ही ठीक नहीं है, सामयिक नहीं है। लेकिन सर विपक्ष बहुत तगड़ा होगा इस बार, सरकार की जो कांग्रेस सरकार बना रही है इतनी राहें आसान नहीं रहेंगी। ये विपक्ष और पक्ष हाउस के फ्लोर पर पता चलता है, पूरे 5 साल रन कर पाएगी ये सरकार? देखते हैं, हमारी तो शुभकामनाएं, बाकी वो कितना रन करते हैं ये उनके ऊपर। कितने निर्दलीय आपके संपर्क में आ गए थे? काय के लिए संपर्क करना, किसी से जनादेश का सम्मान करना चाहिए, वो हमने किया। रात में राकेश सिंह जी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने साफ कहा था कि कई हमारे संपर्क में हैं, उनसे संपर्क किया होगा इसलिए उन्होंने ट्वीट किया था। ठीक, साथ ही खबर यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है।